गया है। चलिए लोगों को दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर बच चुका है, हम लोग अपने ऑर्डर को पिकअप करेंगे। तो चलिए फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। तो गाइस, केएफसी का ऑर्डर है, केएफसी जाना है, केएफसी से उठाना है। तो चलिए फटाफट से लेट ना करते हुए चलते हैं हम लोग केएफसी। तो हम लोग पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अब मांग रहा है सेल्फी, फटाक से हम सेल्फी देंगे। टी शर्ट के साथ कैप्चर करना है। तो फूड इज रेडी, चलिए फटाक से उठाते हैं। अरे भैया, बत्ती डबल जीरो है क्या? अरे बत्तीस डबल जीरो भाई, बत्तीस डबल जीरो है, बता दे भाई क्या सीन है। बत्तीस डबल जीरो, बत्तीस डबल जीरो देगा, 30% दिया। हाँ, बत्तीस डबल जीरो देगा भाई, बत्तीस डबल जीरो देगा भाई, बत्तीस डबल जीरो देगा भाई। दे रहा भाई 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 दे रहे, दे दे भाई, दे दे। कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कितना लेट करवाता है भाई। लाइक है बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो बोलने के लिए एक कैमरा भी लगा पड़ा है ना, माइक दोनों है, कैमरा माइक दोनों है। बढ़िया बढ़िया सिस्टम कर रहा है, बढ़िया सिस्टम है। कब बेंचो काम क्या हो जावे, रात को काम बैसे है। जनरेटर चला रहे हो आप? स्विगी स्विगी चला रहा है भैया, स्विगी। जोमेटो वाला भी मिली ना कैमरा का आपको? अरे लेकिन मैं बैग नहीं, जोमेटो का हो रहा मेरा, जोमेटो। अरे जोमेटो करना क्या ही बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं चलाता था छोड़ दिया। क्या करना है आपको, क्या करना है बताइए हमसे। अभी तो मैंने ये लोग ये कर दिया भाई, इसमें मांग रहे उससे दो भैया, बंद करना है क्या प्लीज, गोटी कस्टमर अदर रीजन कर दिया। हमने पता वो कर लिया है ना, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी, उन्होंने पिकअप विकअप सब कुछ कर दिया ना, रीच वहाँ जाकर रीच करके डिलीवर करना था बस। इन्होंने एग्जाम में ये मांग रहा है ना कि ऑर्डर कैसे लेट हो रहा है, कुछ भी कोई। अच्छा, हाँ ट्रैफिक डाल दीजिए। हाँ, इतनी जल्दी तुमने वो क्यों कर दिया था? वो हम तो क्लिक हो गया सारा, उसे दिखा लो कि चक्कर में भाई। 32 जगह 0 दे दे यार, कहना पड़ेगा 15 मिनट जाना संभल गए, कहाँ पे है? अरे सर, तेज से क्या बन गया? जेपी बन गए, जेपी बन गए। जनरेटर चलाएंगे नहीं आप?
कौन नॉन जोमेटो का ब्लैंकेट चलाई मैंने इसी की है ना जोमेटो की तरह ब्लैंकेट वो चलाई जब ब्लैंकेट चलाए इसलिए जोमेटो नहीं चला सकते ब्लैंक जोमेटो आई डी बना रहा हूँ ना मैं यहाँ की वैकेंसी खुला है इस टाइम बनी ना रही इस जोन इस जोन की अच्छा हाँ मैंने फिर कस्टमर से बात करी मैंने तो जो ब्लैंकेट में काम करता है उसको जोमेटो का आई डी नहीं मिलेगा ना कौन कह रहा है बनता है ब्लैंकेट वाले ही बताते हैं नहीं कौन कहता नहीं बनता बनता है क्यों बनता है अच्छा मैं ब्लैंकेट में आई डी बनाना चाहूँगा बन जाएगा हाँ ब्लैंकेट बन जाएगा लेकिन ब्लैंकेट वाले ही बताते हैं कि जो जोमेटो में काम किया उसका ब्लैंकेट में आई डी नहीं बन सकता खूब बनता है मेरे घर के काले बंदे खूब कर रहे हैं और ब्लैंकेट से जोमेटो में भी आई डी बना रहे हैं अरे जोमेटो से ब्लैंकेट में ही चल जाते हैं जोमेटो तो जोमेटो से ब्लैंकेट में भी चल जाता है बनाने वाले तो बना रहा है उसमें लाइसेंस कंपलसरी है सब कुछ है ब्लैंकेट में कंपलसरी है लाइसेंस लाइसेंस सब कुछ मांगता है वो जैसे जोमेटो में नहीं मांगता है उसमें ब्लैंकेट में ब्लैंकेट में लाइसेंस मांगता है कहाँ जाना है डिट डेट लोन सेवन फ्लोर चलो समझ गए कहाँ जाना है फटाफट से चलते हैं नंबर वन बेंट ऑन लेफ्ट किलोमीटर जाना है तो चलिए फटाफट से 2.6 किलोमीटर चलते हैं ए बारह कैश करोगे भैया ऑनलाइन भैया यहाँ पे ये जो रहते हैं सब रेंट पे रहते हैं कि सब वो मतलब रेंट पे रहते हैं हमको लगा कि वो नीचे जो सबको ट्रेनिंग करते हैं मतलब अच्छा वैसे ही सबको ही दो दिन मतलब वैसे भी रहते हैं अच्छा कितना का था 361 हाँ 361 भैया दीपक कुमार वर्मा कर दिए भैया किस चीज से किए फेन पे से वो अभी दिखेगा नहीं मेरे को इसलिए आप उनको दिखा दीजिए अपने में ठीक है भैया हाँ नहीं अभी मेरे में दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे में वो इंस्टॉल नहीं है पेटीएम ओके थैंक यू भैया नहीं ठीक है आप नाम बता देना मेरा ठीक है भैया ठीक है थैंक यू भैया तो फाइनली गाइस हम लोगों ने अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया अच्छे से इस आज के वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से अगर आपको टिकट इरेज करना है अगर आपको लगता है कि पे आउट गलत है या इनकरेक्ट पेमेंट मिला है या पे आउट इशू है या बैंक इशू है कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आपको टिकट इरेज करना है तो उसके लिए क्या करना है मोर में आना है मोर में आने के बाद आपको आ जाना हेल्प एंड सपोर्ट में हेल्प एंड सपोर्ट में आने के बाद ऑर्डर अर्निंग इशू मुझे ऑर्डर अर्निंग इशू से रिलेटेड टिकट यूज़ करना है
तो सैटरडे आज का ऑर्डर था मेरा, जो भी ऑर्डर है मेरा ये ऑर्डर है, इसमें मेरे को वेट टाइम नहीं मिला है गाइस, इसलिए इनकरेक्ट वेट टाइम मैं करूँगा और लिखूँगा वेट टाइम का पैसा नहीं मिला, ऐसे लिख देना आपको, यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देना है, जो भी आपकी वो जो भी आपकी ऑर्डर रहेगी उसका स्क्रीनशॉट ले करके आपको ये अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। तो गाइस कुछ देर में ये हमारा सेटलमेंट कर देंगे, तो तुरंत आ भी गया, जीरो हैज़ बीन एडजस्ट अर्जेंट यू ऑर्डर अर्निंग ए न्यू एडजस्ट हैज़ बीन ऑर्डर यू अर्निंग हिस्ट्री सेक्शन सी मोर रिटर्न। ठीक है, तो टिकट का सॉल्विंग कर दिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ये मुझे नहीं मिलेगा, ओके। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस हमारा दूसरा ऑर्डर बच गया, तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा दूसरा ऑर्डर भी बच गया है। कहाँ से उठाना है ये? जगत फार्म से सिंपली साउथ, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये रेस्टोरेंट यहीं पे है, पैदल ही जा कर के हम लोग उठा लेंगे। सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिए हम लोग। तो देख सकते हैं बस वही जो कोना है, पीला वाला बोर्ड लगा हुआ है सिंपली साउथ, वहीं जाना है। हम लोग अभी यहीं जगत फार्म पे है, तो ऑर्डर हम लोगों ने असाइन हुआ, हम लोगों ने उठा लिया, जाना का है सिराया मुखर्जी, सिराया मुखर्जी कोई लेडीज़ है उसका ऑर्डर है और लेके जाना का है, तो ओमिक्रोन साइड लेके जाना है गाइस, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से हमें, ओमिक्रोन 3 लेके जाना है। तो चलिए ऑर्डर रेडी होता है तो फटाफट से हम ऑर्डर को उठाएंगे और डिलीवर करेंगे। तो गाइस हम लोग लोकेशन पे आ ही गए हैं, तो इसे रीच टू पिकअप लोकेशन कर देते हैं। फिर से सेल्फी मांग रहा है, ये सेल्फी बहुत बार मांगता है इसीलिए सेल्फी से इसकी मैं परेशान रहता हूँ। दे देते हैं सेल्फी, देख रहे हैं अब टी शर्ट के साथ सेल्फी नहीं डाला तो ये पूछ रहे हैं, मैं स्विगी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, मैं टी शर्ट मेरा डैमेज है भैया। चलो 50 रुपये का ऑर्डर बजाए, 10 रुपये सर्जिकल स्ट्राइक है और मेरे को जाना है 8 किलोमीटर, मतलब मेरे को 5 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, 5 रुपये भी नहीं, 8×5=40, हाँ 10 रुपये इंसेंटिव अगर हटा दे तो 5 रुपये किलोमीटर स्विगी देता है। तो चलिए फटाफट से लेट ना करते हुए इंतज़ार करते हैं हम जब तक ऑर्डर रेडी नहीं हो जाता है। अब आपको पास से दिखा देता हूँ, देखिए सिंपली सिटी साउथ कैसा दिख रहा है, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है सिंपली साउथ का, जगत फार्म सिंपली साउथ। Take the next right to stay away from the Radha Beach Road. Continue for 800 meters. भैया 52-21-72 भैया, ये जो ब्लूटूथ में काम करता है जोमेटो वाला ब्लूटूथ में कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सब बताते हैं कि जो ब्लूटूथ जो जोमेटो में किसकी आई डी देनी है।
चलते हैं Q14। तो हम लोग लिफ्ट में आ गए गाइस, आप लोगों ने 14 दबा दिया है। यहाँ से हमारा लिफ्ट 14 तो लगा हुआ है, तो फटाफट से बस ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं। Q14 से एक जाना है, फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करते हैं। और गाइस प्लीज चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। The order is getting delayed. Please start moving. The order is getting delayed. Please start moving. The order is getting delayed. Please start moving. ₹16 रिटर्न फेयर भी हमें मिला, वापस जाने का भी ₹16 हमें मिला। तो गाइस हम लोगों ने फटाफट से दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया है, अब नेक्स्ट ऑर्डर की तैयारी है। फटाफट से जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर मारते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कैसे ऑर्डर उठाना है, कैसे पिक करना है, कैसे डिलीवर करना है। तब तक के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट ऑर्डर की तैयारी करते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फिर से बच चुका है, नेक्स्ट ऑर्डर मेरा फिर से बच चुका है। 6.8 किलोमीटर जाना है हमें, ₹37 का ऑर्डर है, गुप्ता जी रेस्टोरेंट है, शॉप नंबर 2, अंसल प्लाजा जाना है मुझे। अच्छा, ऑर्डर लेके कहाँ जाना है मुझे, शारदा यूनिवर्सिटी का गाइस ऑर्डर है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी से ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। शारदा यूनिवर्सिटी गाइस इस एरिया का बहुत ही फेमस कॉलेज है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा NRI स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए फटाफट चलते हैं गुप्ता जी रेस्टोरेंट और वहाँ से ऑर्डर उठाते हैं और चलते हैं वहाँ से शारदा यूनिवर्सिटी। दो किलोमीटर का पिकअप है। चलिए राइट कर देते हैं। आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट कहाँ है, देख सकते हो रेस्टोरेंट मेगा कार प्लस। चलिए आओ टाइगर, ₹9:07 पे 9 मिनट बाद हमें हमारा ऑर्डर मिलेगा गाइस। ये है ये रेस्टोरेंट और 9:07 पे हमें मिलेगा ऑर्डर। गाइस हम लोग लोकेशन पे आ ही गए हैं, वाले तो दिखा देता हूँ। ये शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ हमें जाना है मंडेला बॉयज हॉस्टल।
चलो डिलीवर हाल। तो गाइस फाइनली ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया, डिलीवर कंप्लीट। तो डिलीवर जैसे ही कंप्लीट किया गाइस, हमें 14 रुपया वेटिंग टाइम मिला, 10 रुपया सर्जरी बोनस। तो हमें वेट टाइम का ही पैसा स्विगी में मिलता है, साइड इफेक्ट्स में और जोमेटो में वेट टाइम का पैसा नहीं मिलता है। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। तो गाइस हम लोग अपना 5वां ऑर्डर लेकर के आ गए हैं, और ये जो हम लोगों का 5वां ऑर्डर है ये है सीनादल यूनिवर्सिटी का। और सीनादल यूनिवर्सिटी गाइस ये भी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीनादल में भी पढ़ता है, सीनादल में नहीं पढ़ता है मतलब जहाँ भी पढ़ता है ये तो मेरे को नहीं पता, मैं भी यहाँ का हूँ नहीं प्रॉपर। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो किस तरह से घूम रहे हैं लोग, मतलब गेट से 2-2 किलोमीटर तक कॉलेज का कैंपस है। सीनादल यूनिवर्सिटी गाइस मैं बता रहा हूँ इस एरिया की, इस एरिया में सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और सीनादल यूनिवर्सिटी। सीनादल यूनिवर्सिटी भी काफी बड़ा है आप देख सकते हो। अब मैं ये ऑर्डर डिलीवर करने आया हूँ, अरे पहले काम से पहले तो आप कपल इतने घूमते हैं गाइस, देखो मोहब्बत छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। देख सकते हैं गाइस पूजा का पूजा चारों तरफ से रोड ही रोड दिख रहा है। हॉस्टल हॉस्टल के पास अभी तक 1.5 किलोमीटर गाइस चल चुके हैं हम लोग अभी तक पूरा। तो इधर है सकते हैं गाइस कितना अच्छा स्टेडियम है, काफी अच्छा स्टेडियम है। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है गाइस यहाँ पे, अब आप देख लेना नेट में सर्च कर लेना है बात सीनादल यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अरे हेलो, हाँ जी भैया, भैया ये लोकेशन पे आ गया है यहाँ पे कुछ, भैया ये कौन सा लोकेशन है भैया, क्या है भैया ये पार्किंग वन किधर है, जिधर से आया मैं उधर से ही जाना पड़ेगा क्या, नहीं इधर से सीधा ये रोड है, इधर से सीधा जाना है,
फिर डाइनिंग हॉल वन आएगा, फिर वहाँ से आपको लाइब्रेरी पता है कहाँ पे? नहीं भैया मैं रहू कहाँ पता रहेगा भैया, आप मेरे को लोकेशन दे दीजिए, अपना करंट लोकेशन दे दीजिए मेरे को। हेलो हाँ व्हाट्सएप पे भेजना भैया, मैं नंबर बता रहा हूँ एक मिनट। अच्छा नंबर लिख, अच्छा रुको बोलो। बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। नंबर लिखे भैया 9311 9311 9061 9061 89 89। अरे मैं किसी से पूछ भी रहा हूँ तो वो इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं कि मेरे को फिर मैं भटकता रह जाऊंगा इधर ही। आप मेरे को बस करंट लोकेशन दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है भैया। लाइव मत भेजिएगा ना भैया, करंट ही भेजिएगा। फटाक से भेजिए भैया। हाँ ठीक है आ गया है। ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ भैया, जहाँ आप बाहर ही रहिएगा, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट लगे मेरे को। ठीक 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 ठीक। देख सकते हैं गाइस जगह जगह कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा है यूनिवर्सिटी, ये काफी अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। ये तो बड़ा नागिन जैसा है। ये है पार्टी, साइकिल 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 क्या है तो क्या भी आपका यार लोकेशन आप डाल दिए थे, उधर जाना पड़ा मेरे को। हमने उनसे बोला था कि आपको यहाँ भेजिए, उन्होंने फिर भी आपको वहाँ भेज दिया। अरे मैं उससे पूछ रहा हूँ तो वो बता रहे, वहाँ भी बैठ के पूछ लेना। अलग दिक्कत है जिंदगी में। अच्छा पेमेंट पैड नहीं है ना? नहीं। एक मिनट भैया। कर दो भैया।
तो रिटर्निंग का हमें 104 रिटर्निंग का हमें 35 रुपये मिला, तो 104 रुपये का ऑर्डर मेरा हुआ। अभी मेरा 5वां ऑर्डर था। ओके चलिए फटाफट सब जॉन में चलते हैं, हम जॉन से बहुत दूर आ गए। तो गाइस ये हमारा 7वां ऑर्डर है, चलिए फटाफट से इसको डिलीवर मारते हैं। और कस्टमर के लोकेशन पे आ गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पिकअप। हेलो भैया, अरे मेरे से गलती से डिलीवर मरा गया, यहाँ जाना है 0508। नाम मेरा है दीपक, स्विगी क्या है, S1508। टाइम क्या हो रहा है, 11:10, 88, 58, 83, 85, 97। ये 508 पांचवे नंबर पे होगा भैया? हाँ जी। 508 ज्यादा है 508? हाँ चलिए, तो तू मुझे बता पांचवे पे, मैं तो आज ही ले आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। अरे हमसे भी गलती से क्या है ना, ऑर्डर वहीं दिला गया है और कस्टमर को ऑर्डर ही नहीं दिए। हाँ एंट्री कर दी। तो गाइस ये हमारा 6वां ऑर्डर है और हम लोगों ने ऑर्डर उनको दे दिया है। देखिए कभी भी जाते हैं तो माई गेट पे एंट्री करवाना पड़ता है। तो देखिए मेरा एंट्री क्या है, ये कहाँ जाना है, 508। तो गाइस फाइनली ये ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। वो ऑर्डर फटा तो नहीं ना मैम, ऑर्डर फटा तो नहीं ना, ऑर्डर फटा हुआ तो नहीं ना, वो देखना पड़ेगा। देख लो ऐसे ये गिरा हुआ नजर आया तो हमको लगा कहीं फटा तो नहीं है, लीक तो हुआ है बट ठीक है। लीक नहीं मतलब ऐसे मेरे ये सब ये तो नहीं ना था आपका, ठीक है वही लगा मेरे को गिर गया क्या। अच्छा चलिए ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा ये 7वां ऑर्डर भी डिलीवर हो गया प्रॉपर अच्छे से। गाइस तो ये हमारा आठवां ऑर्डर है जिसे हमने पिकअप किया और हम लोगों का ऑर्डर रेडी लोगों ने दिखा देते हैं लेकिन रेडी नहीं है। और ऐसे जगह भी आया हूँ ना गाइस की वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो गाइज ये ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है, द ग्रैंड पेनिस मॉल। तो गाइज फाइनली बड़ा ऑर्डर बच गया है, 62 रुपए का नाइट फूड एक्सप्रेस चलना है बीटा प्लाजा। चलो वहाँ से तो ऑर्डर उठाना है, लेकिन इसको ले करके कहाँ जाना ये देख लेते हैं हम लोग। ए बी जे के बाद ये क्या है, अच्छा पैरामाउंट चलना है साइट सी, 67 रुपए का ऑर्डर है गाइस। तो चलिए फटाफट से लेट ना करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर की ओर चलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है बीटा प्लाजा, और बीटा प्लाजा देखते देखते हमने कुछ और देख लिया, ये साइकिल। अरे भैया नाइट फूड एक्सप्रेस किधर है? नाइट फूड एक्सप्रेस भैया सेकंड फ्लोर पे होगा या फर्स्ट फ्लोर? देख रहे हो बज रहे हैं रात के 3 और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं गाइस। भैया हेलो भैया, नाइट फूड एक्सप्रेस यही है क्या? नहीं। किधर है भैया? ऊपर अच्छा देसी गली वाला का ही नाम है। गाइस बज रहे हैं रात के 3 कहाँ 3:30 हो रहे हैं। ये चलते हैं, देखिए देखिए अभी रेस्टोरेंट खुला हुआ है। पहले हम कर लेते हैं अराइव रिच। 56:51 नाइट फूड एक्सप्रेस भैया, नाइट फूड एक्सप्रेस ये रखा है। अच्छा मेरा ही है, कौन सा है कौन सा है कौन सा? एक ही रखा है। फटाफट से पिन टावर, तो अब ये जो हमने ऑर्डर उठा लिया तो इसको उठाने के बाद हमारा टोटल काम हो जाएगा 700 कुछ रुपए का, और 700 कुछ रुपए का काम हो गया तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा 350 का। टोटल काम हमारा 11 घंटे का हो जाएगा, और एक टोटल काम हमारा 1100 का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से पहले इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, तो फाइनली फिर मैं आपको अगले मॉर्निंग में दिखाऊंगा, क्योंकि सारा का सारा पैसे का सेटलमेंट मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही होता है। तो फटाफट बिना लेट किए हुए चलते हैं पैरामाउंट।
गाइस ये हमारा सातवां ऑर्डर है। चलिए फटाफट से इसको डिलीवर मारते हैं। कस्टमर के लोकेशन पे आ गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पिकअप। हेलो भैया, अरे मेरे से गलती से डिलीवर मरा गया, यहाँ जाना है 0508। नाम मेरा है दीपक, स्विगी क्या है S1 508। टाइम क्या हो रहा है, 11:10, 88, 58, 83, 85, 97। ये 508 पांचवे नंबर पे होगा भैया। 508 ज्यादा है 508। हाँ चलिए, तो तू मुझे बता पांचवे पे। मैं तो आज ही ले आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। अरे हमसे भी गलती से क्या है ना, ऑर्डर वहीं दिला गया है और कस्टमर को ऑर्डर ही नहीं दिए। हाँ एंट्री कर दी। तो गाइस ये हमारा छठा ऑर्डर है और हम लोगों ने ऑर्डर उनको दे दिया है। देखिए कभी भी जाते हैं तो माई गेट पे एंट्री करवाना पड़ता है। तो देखिए मेरा एंट्री क्या है, ये कहाँ जाना है 508। तो गाइस फाइनली ये ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। वो ऑर्डर फटा तो नहीं ना मैम, ऑर्डर फटा तो नहीं ना, ऑर्डर फटा हुआ तो नहीं ना, वो देखना पड़ेगा। देख लो इसे, ये गिरा हुआ नजर आया तो हमको लगा कहीं फटा तो नहीं है। लीक तो हुआ है, बट ठीक है। लीक नहीं मतलब ऐसे मेरे, ये तो नहीं ना था आपका, ठीक है वही लगा मेरे को, गिर गया क्या। अच्छा चलिए ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा ये सातवां ऑर्डर भी डिलीवर हो गया प्रॉपर अच्छे से। तो हमारा पांचवा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया बाकायदा। तो गाइस हम लोग आ गए हैं इंदिरा हॉस्टल शारदा यूनिवर्सिटी। इंदिरा हॉस्टल ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये वैसे हम लोगों का ये 10वां ऑर्डर है, फटाफट से ये 10वें ऑर्डर को हम लोग डिलीवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से कस्टमर को फोन करते हैं। हेलो
भैया ये इंदिरा हॉस्टल आ गया हूँ। इंदिरा हॉस्टल आ गया भैया, अभी बस आ जाऊँ, बोलता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, दो मिनट में। ठीक है भैया, बोल दीजिए। आदित्य को कॉल कर दे, ऑर्डर आ गया। तो गाइस ये इंदिरा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है ये, और अब किसी लड़के ने इसे ऑर्डर किया है, हो सकता है शायद उसकी GF हो। उधर आना पड़ेगा क्या मैम? तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, 26 रुपीस। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं डिलीवरी लोकेशन पे। तो गाइस हम लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले गाइस। इतनी रात को जाग करके, रात के बज रहे हैं अभी 4 और मैं अभी तक काम कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और सिखाने के लिए कि कैसे काम करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से कुछ जाता नहीं है, ये बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ आप लाइक से एंड सब्सक्राइब कर ही सकते हो। बाकी गाइस अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे। मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग डालने वाला हूँ, इस ब्लॉग में बहुत से ब्लॉग ऐसे होंगे जो अर्निंग से रिलेटेड होंगे, जो 10th 12th बिना पढ़ा लिखा सबके लिए नौकरी है। मैं ढूंढ करके बताता रहूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। और बस मेरा मकसद यही है कि बेरोजगारी नाम का चीज़ जो है ना, लोग जो बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, ढूंढने पे तो परमात्मा मिल जाते हैं, ये तो नौकरी ही है। तो यहाँ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा आपको, इसके लिए मैं हूँ, आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और अच्छे से गाइड करूँगा कि कौन सी नौकरी कैसे मिल जाती है और किस तरह से मिलती है। तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखे रहोगे तो आने वाले टाइम में अभी मैं बहुत से वीडियो डालने वाला हूँ, सब इसी सब कंटेंट से रिलेटेड ही रहेगा। तो देख सकते हैं इतनी टनल में इतनी रात को जा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा क्या है ना गाइस, रात को थोड़ा सा डर भी रहता है ना, लड़के ऑर्डर मंगा लेते हैं, हम वहाँ जाके बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल करके दे दे, वरना तेरा मोबाइल छीन लूँगा, तेरी गाड़ी छीन लूँगा। ऐसे ऐसे भी यहाँ पे लड़के पड़े हुए हैं जिन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि एक राइडर रात को रात भर काम करता है, 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये कमाता है, तब जा करके वो दिन भर का 1000 रुपये इकट्ठा करता है। और कोई भी ऐसे ही परेशान करता है जो कि बिल्कुल ही घटिया है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए भाई। एक राइडर का पैसा खा करके क्या ही कर लोगे तुम, और कितना ही मिल जाएगा तुम्हें। फालतू का जब ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तो कल के बाद में ये राइडर के ऊपर ही पलटाता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं गल्फ पैरामाउंट, गल्फ चलते हैं फटाफट से। यहाँ रजिस्टर है, यहाँ एंट्री कर लेते हैं। $1407 फूड है।
346 तो काफ़ी VIP है बिल्डिंग, इसमें रहते भी कुछ VIP ही हैं। फटाफट से गाइस बिल्डिंग का नाम है पैरामाउंट। तो हम रीच कर लेते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, 14 फ्लोर पे, तो हम 14 दबा देंगे लिफ्ट में। तो गाइस हम लोगों ने डिलीवरी कंप्लीट कर दिया और अब 110 रुपए मिल गए। बाप रे बाप, ये तो चौंकाने वाला काम हो गया। ओके गाइस तो फाइनली मॉर्निंग हो गया है और हमारा पेमेंट का सेटलमेंट हो गया है। हम लोगों ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया अब वो हम लोग आप लोगों को सारा का सारा दिखा सकते हैं। तो गाइस ये हमारा पेज खुल गया, 20 रुपये एक्स्ट्रा पर ऑर्डर आज भी मिल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं 26 ऑर्डर मारने पे 1400 रुपये, 32 ऑर्डर मारने पे 1937 ऑर्डर मारने पे ये। तो गाइस हम लोग 450 और 700 वाला ये वाला टारगेट हम लोगों ने पूरा किया है। 450 पे 200, 700 पे 350 ये अभी गलत दिखा रहा है। आज का टारगेट था कुछ अलग है, वरना ये 400 रुपये पे 200 रुपये, 700 रुपये पे 350 रुपये दे देता है। तो चलिए आते हैं अर्निंग में हम लोग। तो गाइज अर्निंग में आ गया, आप देख सकते हो 25 तारीख का अर्निंग मेरा 1651 रुपये है, 24 तारीख को 1348 रुपये है। तो गाइज कभी कभी मैं तो ज़्यादातर जाता भी नहीं हूँ, जाता बहुत कम हूँ। देख सकते हो आप मेरा लाइन से 1506 रुपये, 1542 रुपये, 10 घंटा 16 मिनट ऑनलाइन रहा हूँ, 10 घंटा 12 मिनट ऑनलाइन रहा हूँ, 9 घंटा 47 मिनट ऑनलाइन रहा हूँ। तो ये सब का सब अर्निंग है। मैं आपको कल की अर्निंग पे बात करने वाला हूँ कि मैं आप लोगों को कल की अर्निंग दिखाऊँ, मेरी कल की अर्निंग क्या है। तो गाइज ये 1551 रुपये यहाँ दिखा रहा है, 12 घंटा 21 मिनट ऑन ड्यूटी रहा हूँ। तो इसमें से गाइज 2 घंटा मेरा मॉर्निंग का भी ये काउंट कर रहा है, 1-2 घंटा। तो जो भी है मैंने 10 घंटा काम किया है, तो पूरा का पूरा शिफ्ट में मैंने ऑर्डर अर्निंग की है 861 रुपये की। इंसेंटिव है मेरा 382 रुपये, 382 रुपये गाइज वही जो देख सकते हैं इंसेंटिव में क्या है, 382 रुपये, 350 मिलता है डेली अर्निंग और डेली पेट्रोल इंसेंटिव है तो वो मिला के 382 रुपये। बोनस है गाइस वही जो 20 रुपये, 10 रुपये सर्जिकल स्ट्राइक मिलता है और एडजस्टमेंट 18 रुपये। मतलब ये जब गलती पे कर देते हैं कि डिस्टेंस कुछ और रहता है, पे कम करते हैं या कहीं वेटिंग टाइम नहीं मिलता है, तो इन सब के लिए मैं टिकट इरेज किया था, तो ये सेटलमेंट किए हैं तो उसका ये एडजस्टमेंट है। देख सकते हो आप हास्टिंग फूड 89 रुपये, द किंग ऑफ मोमोज, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने टोटल ऑर्डर किया था। और जब भी आपका देखिए जब भी प्रॉब्लम हो कि लगता है कि आपको पैसा कम मिला है तो ऑर्डर पर क्लिक करना है, ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद इशू विथ ऑर्डर पर क्लिक करना है। इशू विथ ऑर्डर पर ट्रेड कर लगता है आपको इनकरेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस कि आप ज़्यादा चले हो कम पैसा मिलता है, तो इनकरेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस पर आ करके यहाँ पर लिख दें और सबमिट कर दें, तो इनकरेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस का ये हो जाएगा
और लगता है आपको अगर वेट टाइम का पैसा कम मिला तो इनकरेक्ट वेट टाइम पे क्लिक करके इनकरेक्ट वेट टाइम लिख देंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो ये था गाइस कुछ हमारा कल का अर्निंग। और गाइस आपको चलाना है तो जोमेटो स्विगी चला सकते हो, लेकिन शैडो फैक्स जैसे एप्लीकेशन को ना चलाओ। अब हमारे वीडियो में नीचे कमेंट आया है किसी भाई का कि भाई शैडो फैक्स का रेट लिस्ट दिखाओ, तो मैं थोड़ा सा बिजी था इस शूटिंग में तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाया। अरे मैं थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। ओके गाइस, अगर वीडियो हमारी पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, रात भर जग जग करके ये वीडियो शूट किए हैं, बनाए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लाइक सपोर्ट और कमेंट आता है तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, और ताकि हम आप लोगों को और भी इस तरह से वीडियो बना करके दिखा सके कि किस तरह से ऑनलाइन ही 25 से 30 हज़ार कमाया जा सकता है। गाइस हमारी वीडियो जो भी देखता है, बच्चे बूढ़े अंकल चाचा आंटी लड़की जो भी देखता है सबके लिए ये, मैं यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ और सबके लिए मैं यहाँ पे जॉब बताने वाला हूँ, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।